आप इंडिया से अगर ये नक्सल मूवमेंट को हटा दें तो स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इस बात को, इंडिया की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ही 40% बढ़ जाएगी. एंड 40% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट? अब मैं बता दूं कैसे 40% बढ़ जाएगी, देन आई विल शट अप सो दैट ऑल ऑफ अस कैन टॉक. क्योंकि ये चीज उसमें निकलती नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, जो मैं अभी तक किसी भी स्पीच में कहीं नहीं बोल रहा, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू दिस. कैसे बढ़ेगी, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है? तो ये बाहर से पैसा आता है, इसको ये लोग यूज करते हैं आर्म्स, एम्युनिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, काडर क्रिएट करने. अभी क्या हुआ, पोस्ट लिबरलाइजेशन इन लोग की थोड़ी सी रेलेवेंस कम हुई, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस चेंज हो गए. अब इसका क्या किया जाए, जो पूरी काडर लाख लाखों लोगों की इनकी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है. इनका चार्टर है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर साई बाबा के घर से पकड़ा गया था. मैं इसलिए बार बार अंडरलाइन करता हूं कि सारे मीडिया वाले प्रोफेसर साई बाबा लिखते हैं. He was never a professor in his entire lifetime. He was an assistant professor. वो इसी तरह से है, किसी state minister को आप prime minister बोलने लगे, right? So that's wrong. So we should correct the narrative. उनके घर से जो strategic documents पकड़े गए थे, these are 5 documents. उनका objective ये है, सन 2025 तक जो भारत की state है, मोदी जी की सरकार नहीं और गांधी की सरकार नहीं, ना मायावती की सरकार, ना हमारी आपकी state, जो हम सबसे बड़ी है, हम सब नहीं रहेंगे, बीजेपी नहीं रहेगी, पर स्टेट हमेशा रहेगी. उस स्टेट मतलब उस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना, यहां पे वो माओइस्ट कम्युनिस्ट स्टेट लेके आना 2025 तक. इसको अचीव कैसे करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल विद आर्म्ड रेवोल्यूशन. लिखा है उसमें कि बंदूकों और तोपों के सहारे से करेंगे. शहरों में बंदूक लेके घुस नहीं सकते, हमारी आर्मी खत्म कर देगी. सो हाउ डू यू डू इट? सो इसलिए उन्होंने कहा, वी विल कैप्चर द सिटीज by capturing the minds of certain sections of the society. और उसमें है जैसे लेबर नंबर वन. यहां नहीं पता, पंजाब में देखिए जो नेक्सलिज्म घुसा है, वो खेत खलियानों में जो बिहार के लोग काम करते हैं, वो आधे से अधिक लोग जो है नक्सल के उसमें प्रभावित है. वो लोग लेबर से यू कैन स्टॉप द मोटर ऑफ द नेशन, देश का पूरा यंत्र को आप रोक सकते हैं. दूसरा इनका है, सबसे ज्यादा पैसा जो आता है एक्सटॉर्शन का, अकॉर्डिंग टू आईजी कल्लूरी, जिनने इनका जीना मुश्किल कर दिया था, बाद में बेला जी और बेला भाटिया और नंदिनी सुंदर ने उनके खिलाफ वही आरोप लगाए थे जो हमेशा लगाते हैं कि हमें अत्याचार किया, ये किया, और उनको साइडलाइन करवा दिया गया. उनका कहना है, उनने जो फिगर दिया है, एज लॉन्ग एज ही वाज देयर, 11,000 करोड़. अगर आप 11,000 करोड़ आपको बहुत एग्जैजरेटेड लगता हो तो 1,100 करोड़ मान लीजिए, 1,000 करोड़ मान लीजिए, 100 करोड़ मान लीजिए, पर पैसा करोड़ों में है ये. और सबको ये लगता है कि ये लोग जो एक्सटॉर्शन है, ये अंबानी अडानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का करते हैं. ये भी हमारे मीडिया ने, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोफेसर साई बाबा बोलते रहे इतने सालों से, इसी तरह से इन लोगों ने ये एक जब कुछ नहीं मिले सीआईए को ब्लेम करो या अंबानी या अडानी को करो. ये एक्सटॉर्ट करते हैं ट्रक ड्राइवर्स को, ये एक्सटॉर्ट करते हैं ठेले वालों को, ये एक्सटॉर्ट करते हैं सब्जी वालों को. 1,000 रुपए लेते हैं हर ट्रक ड्राइवर से. हर रोज किसी ना किसी गांव में मंडी लगती है और हजारों के हजारों ट्रक वहां से निकलते हैं, सप्लाई तो है ही. ये उनको एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी इंडस्ट्रीज को नहीं करते. ये करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफर करवाने के लिए. ये हर लेवल पे जो मिलता है इनका, ये माफिया है, ये क्राइम है. अगर इन्हें आदिवासियों से अगर कोई मोहब्बत होती है, उनके लिए करुणा होती, किसी आदिवासी से कोई पूछे. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का कोई जर्नलिस्ट आदिवासियों से बात नहीं करता और सब कहते हैं आदिवासी बड़े बेचारे त्रस्त हैं. तो इट्स ऑल फॉल्स नैरेटिव. ये जो पैसा है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है लीगल एक्टिविज्म में. इस कंट्री में जितनी भी लीगल एक्टिविज्म चलती है, राइट फ्रॉम नर्मदा आंदोलन टू अफजल गुरु का रात को खुलवाना, ऑल दिस लीगल एक्टिविज्म इज फंड. कभी किसी ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट में एक केस करने के लिए कितना पैसा लगता है, और रात को मिडनाइट खुलवाना हो तो कितना पैसा लगता है? नर्मदा जैसे आंदोलन दो दो चार चार साल चलाने के लिए सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, हु फंड्स इट? कभी किसी ने सवाल पूछा है? जिस दिन आप इस सवाल को पूछेंगे, आपके सामने सारे के सारे जवाब आ जाएंगे. तो ये लोग जो है, ये एंटी डेवलपमेंट और एंटी सक्सेस है, एब्सोल्यूटली एंटी सक्सेस है. स्टूडेंट्स का दिमाग, इंटेलिजेंसिया का दिमाग, मीडिया, ओपिनियन लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन पुलिस, आज की तारीख में आप कह नहीं सकते कौन कहां किस हालत में एक
तरह के अर्बन नेशनल नेटवर्क में काम करता है, और इसलिए मुझे लगा कि ये बात लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलते थे। जब मैंने फिल्म बनाई तो सब कहने लगे अरे ऐसा कहां होता है, तो बहुत फारफेस्ट फिल्म है, हमारे यहाँ तो हिंदुओं में तो कहते हैं कि गुरु माँ बाप और ईश्वर खड़े हो, सबसे पहले गुरु के पहुंच हो, राइट। लेकिन 6 साल तक मैं लड़ता रहा, मेरी फिल्म भी नहीं रिलीज हुई। 2016 में ये साबित हो गया कि यस फैकल्टी वॉज इन्वॉल्व इन नेक्सलिज्म।